हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। मुंबई शहर में रहने वाले अगर आप हो या अगर आप मुंबई शहर में आते हो तो आप देखोगे कि हर गली के नुक्कड़ पे आपको वड़ा पाव की रेकड़ी जरूर नजर आएगी और आते जाते लोग, चलते फिरते लोग वड़ा पाव जरूर खाते हैं। वड़ा पाव एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब आदमी का पेट भर देता है और इसको अमीर से अमीर इंसान भी बहुत पसंद करता है। अगर आपको वड़ा और पाव दे दिया जाए तो आप उसको नहीं खा सकेंगे, लेकिन मुंबई में उसकी एक स्पेशल चटनी होती है जिसको बोलते हैं सूखी चटनी। तो वो सूखी चटनी जो होती है वो लाल कलर की होती है, बहुत ही टेस्टी, और उसमें लहसुन का स्वाद बहुत ज़्यादा आता है और लोग उसको बहुत शौक से अलग से लेके भी खाते हैं और वड़े पाव की शॉप में जो है उसको वड़े पाव के अंदर डाल के भी देते हैं। वैसे आजकल नुक्कड़ के अलावा बड़ी बड़ी शॉप्स भी खुल गई है वड़े पाव के लिए और लोग वहाँ पर भी जाके खाना पसंद करते हैं। अगर आप मुंबई आते हैं तो वड़ा पाव ज़रूर खाइएगा और वड़ा पाव के साथ चटनी मांग के ज़रूर खाइएगा। तो वड़ा और पाव का इंतज़ाम आप करिए और सूखी चटनी का इंतज़ाम मैं करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे वड़ा पाव की स्पेशल सूखा चटनी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। हमने एक बर्तन गरम कर लिया है और ये सूखा खोपरा है, ऐसे दो वाटी खोपरे को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसको हम भून लेंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है और ये बहुत नरम सा हो गया है, तो हम इसको भूनेंगे ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा। हमको इसको इतना भुनना है कि इसको लाल भी नहीं करना है और इसको कच्चा भी नहीं रखना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसको लो फ्लेम पे हम भुनेंगे। चम्मच हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ खोपरा जल ना जाए और एक तरफ कच्चा ना रह जाए, क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी भुन जाता है और बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर खोपरा जल गया तो चटनी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो खोपरे का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से भुन गया है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसी बर्तन में हम 2 मुट्ठी सिंगदाना ले लिए हैं और इसको भी अच्छी तरह से भुन लेंगे, इतना भुनेंगे कि छिलटे आसानी से निकल जाए। बहुत भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस छिलटा निकल जाए इतना हम भुनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भी लगे हैं धीमी आँच में भुनने के लिए। इस चटनी को आप इडली के साथ, डोसे के साथ, दाल चावल के साथ, कढ़ी खिचड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगी। सिंगदाना खोपरा जो हम भून रहे हैं इससे चटनी की शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिंगदाना भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसको भी हम निकाल के साइड पे रख देते हैं। अब हमने लिया है 25 से 30 कली लहसुन। लहसुन के छिलटे को हम निकालेंगे नहीं, छिलटे के साथ ही हम इसको थोड़ा से रोस्ट करेंगे। बस थोड़े थोड़े डॉट्स आ जाएंगे लहसुन के छिलटे के ऊपर, इतना ही हम इसको भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा मॉइस्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मेन टेस्ट जो आता है चटनी में लहसुन का ही आता है। लहसुन कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 लहसुन की कली काफ़ी हो जाएगी। इस चटनी को आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीना आराम से रख के खा सकते हैं, यानी कि अगर आप एक बार बनाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक इसको आप रख के खा सकते हैं। लहसुन हमारा भुन गया है, इसको भी हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। अब उसी बर्तन में हम मिर्ची डालेंगे, लाल सूखी मिर्ची है ये। ये थोड़ी सी तेज़ होती है, अगर आपको बहुत तेज़ नहीं चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप तेज़ नहीं खाते हैं। वैसे खोपरा, सिंगदाना, लहसुन सब जब मिक्स होगा तो इतना तेज़ ये नहीं लगेगा। तकरीबन हम 15 से 20 मिर्ची लिए हैं, ये लाल कलर की नहीं है, ये थोड़ी तेज़ होती है। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगेगी तब हम इसको निकाल लेंगे और ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो मिर्ची भी हमारी भून के बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं।
सिंग दाना हमारा ठंडा हो गया है, तो इस तरह से इसके छिलटे हम निकाल लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए सिंग दाने को हमने छिलटा निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और सबसे पहले हम ऐड कर देंगे सिंग दाना, लहसुन और मिर्ची। ये तीनों को पहले थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, तो इसका कलर आप देख रहे हैं लाल कलर नहीं आ रहा है। तो ये जब चटनी बनती है तो इसका कलर लाल होता है। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं खोपरा जो हमने भून के रखा था। और हम इस पे डाल दे रहे हैं लाल कश्मीरी मिर्ची, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो 2 टीस्पून हमने लाल कश्मीरी मिर्ची डाली है और 1 चम्मच हमने डाला है नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसको वापस से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, बस मोटा मोटा से हम इसको पीस लेंगे और ये चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो जो आपको वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, वो जो है लहसुन का छिलटा है। इसी का लुक इसमें बहुत ज़्यादा आता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो हमारे वड़े पाव की सूखी चटनी बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और बहुत दिन तक आप इसको रख के फ्रिज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी ये वड़ा पाव की सूखी चटनी कैसे बनी। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। So thank you very much.